हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? और सही में बताओ यार, कैसे है? कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग। और हैप्पी न्यू ईयर, उसके पहले हैप्पी मैरी क्रिसमस, उससे पहले हैप्पी दिवाली। क्योंकि गाइस बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था। और जब मुझे मन नहीं करता ना, जब मैं कुछ काम करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब मेरा मन नहीं लग रहा होता है, और अगर मैं वो काम करूँगा तो मैं बहुत गंदा करूँगा। इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। और गाइस आज हम लाए हैं, हम नहीं मतलब मैं लाया हूँ यार, अकेला काम करता हूँ। 300 सब्सक्राइबर है यार, अकेला ही करूँगा ना। सो गाइस आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक 20,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। पिछला बिल्ड हमने करा था कुछ 32-33,000 रुपीज़ का। हम करेंगे ये 20,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड, और ये सिर्फ एक वर्चुअल बिल्ड होगा, एक्चुअल बिल्ड नहीं है इसके अंदर। एक्चुअल बिल्ड पता नहीं कब करूँगा मैं, कभी ना कभी करूँगा, तो उसकी भी वीडियो मैं पक्का पक्का डालने वाला हूँ। और शुरू करते हैं ये 20,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। सो गाइस, इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट लिया है हमने, वो लिया है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर के लिए हमने लिया है राइजन 3 2200G। ये एक 4 कोर 4 थ्रेड प्रोसेसर है। इसके अंदर जो ग्राफिक्स होते हैं वो इनबिल्ड है, Vega 8 ग्राफिक्स है इसके अंदर। इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.5 GHz, जो बूस्ट क्लॉक है वो है 3.7 GHz, और इसकी जो TDP है वो है 65 वॉट्स की। और क्या चाहिए यार आपको? और इसको आप जितने भी है अपनी रैम फ्रिक्वेंसी दे दोगे, ये सपोर्ट कर लेगा। और गाइस अब बात करते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के लिए हमने लिया है ASUS प्राइम A320MK। बहुत बड़ा नाम है, मेरा सर दर्द कर गया बोल बोल के, पर ठीक है अभी। और ये मदरबोर्ड बहुत सही है, हमारे जैसे हमारा जो प्रोसेसर है उसको इजीली हैंडल कर लेता है ये। और A320M मतलब जो सबसे बेसिक वाला जो होता है AM4 का, वो है ये। और ये हमारे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है ये, मैं दूसरी बार बोल चुका हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों बोल जा रहा हूँ। तो गाइस इसके अंदर है 2 DDR4 टाइप के रैम स्लॉट्स, एक आपका ग्राफिक कार्ड का स्लॉट है, एक NVMe M.2 वाला जो स्लॉट होता है वो भी है। सो इसमें आप अपनी M.2 जो SSD होती है वो लगा सकते हो। हम नहीं लगा रहे इस बिल्ड में, क्योंकि बजट बहुत कम है। आपको लगाना है तो लगा सकते हो, अगर आपको लगाना है तो 240 GB की SSD आती है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके लिए आपको हमने जो हार्ड ड्राइव लगाई है वो निकालनी पड़ेगी, तो आप इस बजट में फिट कर लोगे शायद, पक्का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं करा है वो SSD के हिसाब से। और इसमें आपको मिलते हैं 4 USB 3.0 के पोर्ट्स, और 2 USB 2.0 के पोर्ट, HDMI पोर्ट मिलता है, VGA पोर्ट मिलता है, सब कुछ ही मिल जाता है। मतलब जो कुछ भी चाहिए होता है एक मदरबोर्ड में वो मिलता है। और आपको इसमें बैकलाइट मिलती है जो ब्रीद करती है, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड। और बैकलाइट भी मिलती है जो कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ब्रीथ कर रही है, पर हाँ वो मस्त लगती है एकदम। और अब अगर हम बात करें हमारे रैम के बारे में, तो हमने रैम में लिया है कॉर्सेयर वेंजेंस LPX 8 GB का वन सिंगल स्टिक। आप आगे जाके एक और स्टिक ले लो और एक ग्राफिक कार्ड ले लो, तो आपका ये प्रॉपर PC बिल्ड बन जाएगा अच्छे वाला। वैसे अभी भी ये अच्छा ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नहीं मैंने शायद नहीं बताया ना, ये सारे जो आपके गेम्स है उसको मीडियम टू लो में चला सकता है, कुछ कुछ गेम्स को हाई में भी चला सकता है। सो गाइस हमारी जो रैम है वो है 3000 MHz की। और हम अगर बात करें हमारे स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए हमने लिया है वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन 240 GB की एक SSD 240 GB की एक SSD लिए हमने। अगर आपका बजट इतना अलाव नहीं करता है, मतलब ये जो हमारा PC बिल्ड है ना, ये जाने वाला है कुछ 22,000 रुपीज़ तक, अगर आपका बजट इतना अलाव नहीं करता है आपकी देने को, सो आप गैलेक्सी की 120 GB की SSD दे सकते हो, जो इससे 1,000 रुपये सस्ती आती है। और हमारा जो कैबिनेट है उसके अंदर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। और गाइस हम अगर बात करें जो प्राइमरी स्टोरेज होगी, उसके लिए हमने लिया है एक वेस्टर्न डिजिटल ब्लू की 500 GB की हार्ड ड्राइव। ये अगर मैं 1 TB लेता ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने 500 GB लिया। स्टोरेज की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाता और 1,000 रुपीज़ और बढ़ जाते तो हमको 23,000 तक पड़ती है शायद तक, हाँ 23,000 तक बिल पड़ जाती है, और फिर मज़ा नहीं आती।
और गाइस अगर अब हम बात करें हमारे पावर सप्लाई के बारे में, सर पावर सप्लाई के लिए हमने लिया है एनटेक्स का V450, जो कि एक 450 वॉट का पावर सप्लाई है। और 450 वॉट मोर देन इनफ है अगर आप आगे जाके एक 8 GB की रैम स्टिक और एक कोई बेसिक सा है तो थोड़ा सा मीडियम रेंज वाला जो ग्राफिक कार्ड होता है 10-12 हज़ार का, वो आप लगा लेते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसे ही आप एक हेडरूम देकर चल रहे हो कि अगर आप कुछ अपग्रेड करते हो तो हो जाएगा इसी पावर सप्लाई में। और अगर हम बात कर रहे हैं अब क्या बचा, सिर्फ कैबिनेट बची है हमारी। सो कैबिनेट के लिए हमने सिलेक्ट करी है एंटी स्पोर्ट की IS511MT। ये एक बहुत सही कैबिनेट है। इस कैबिनेट में आपको 4 RGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, मैश डिज़ाइन है पूरा सामने से। सो एक अच्छा एयर फ्लो मिल जाता है, साइड टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, और मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर जो होता है ऊपर के साइड वो मिल जाता है, और PSU श्राउड जो है वो भी मिल जाती है। सो मुझे तो पता नहीं चल रहा ये एंटी स्पोर्ट वालों ने कैसे किया है, पर 3,650 रुपीज़ में ये एक बेस्ट कैबिनेट है। अगर हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था आप कैबिनेट में हल्का सा ऊपर नीचे कर सकते हो, सो ऊपर नीचे करने के लिए हमने ली है एनटेक की NX200। ये भी एक बहुत अच्छी कैबिनेट है। इसमें आपको बस एयर फ्लो का हल्का हल्का सा, मतलब थोड़ा कम एयर फ्लो है इसके अंदर, पर है बहुत सही। इसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है साइड में। सो बस हमारा पीसी बिल्ड जो है ये ख़त्म हो गया, और जितने भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ का मैंने जो लिंक है वो नीचे दे दिया है। और बस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग सी पीसी बिल्ड या तो गेमिंग या तो टेक या तो कुछ भी स्मार्टफोन्स, कुछ 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 भी हो सकता है इस चैनल पे। इस चैनल पे हम टेक और गेमिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ करते। पीसी हार्डवेयर के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे कि ये दूसरी वीडियो है हमारी। और बस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग सी अगली वीडियो में, और ये बहुत जल्दी डालूंगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है। टिल देन, बाय बाय एंड बूम।